अगली खबर में बात करते हैं सागर की, जहां बुधवार को दशहरा पर्व मनाया गया। पर्व पर सागर समेत जिले में कई स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सागर में मुख्य कार्यक्रम पीटीसी ग्राउंड में रखा गया, जहां 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान सबसे पहले राधे राधे संकीर्तन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजनों की प्रस्तुति दी। भगवान राम की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद श्री राम के स्वरूप में पहुंचे कलाकार और अतिथि रावण दहन के लिए मैदान में पहुंचे। तीर को पेट्रोल से भिगोकर आग लगाई और रावण पर चलाया, लेकिन रावण जला नहीं। आग नहीं लगने पर रावण के पुतले के नीचे रखी घास में आग लग गई, तब जाकर रावण पूरी तरह जला। महज 16 मिनट में 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला जलकर खाक हो गया। रावण दहन देखने के लिए 3000 से अधिक लोग पहुंचे। कार्यक्रम में महापौर संगीता सुशील तिवारी, विधायक शैलेंद्र जैन, कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी तरुण नायक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान मैदान में आतिशबाजी भी की गई। सतरंगी आतिशबाजी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। जैसे ही रावण का दहन शुरू हुआ, ठीक वैसे ही गगनचुंबी आतिशबाजी की गई। यह नजारा मैदान में मौजूद हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करता हुआ नजर आया। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।